गुड मॉर्निंग एवरी वन. आई होप एक्सरसाइज 18.2 यू हैव डन इन योर मैथ्स नोटबुक. टूडे वी स्टार्ट चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18.3. समवन ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आप लोगों को ये बार ग्राफ दिया गया है. बार ग्राफ आप लोगों को ग्राफ बुक के अंदर ड्रॉ करना है जैसे सेम इसमें दिया गया है वैसे, और जो क्वेश्चंस दिए गए वो सामने के लाइनिंग वाले पेज है वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन और क्वेश्चन के नीचे आप लोगों को आंसर्स लिखने. नाउ फर्स्ट हियर यू कैन सी दैट देयर हैव अ टू एक्सिस. वन एक्सिस इज यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए ना उसको एक्स एक्सिस बोलते, और यहाँ पर जो वाई, यहाँ पर जो ये स्टैंडिंग लाइन है उसे बोलेंगे वाई एक्सिस. तो आप लोगों को बार ग्राफ का यहाँ पर वो कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो मार्क्स ऑब्टेन बाय वरुण. वरुण ने सिक्स सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट्स देख सकते हो सिक्स सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसको रिप्रेजेंट करता हुआ ये चार्ट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव. ये बार ग्राफ देखकर आपको वो कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमें लिखना है. तो आंसर्स में मैंने यहाँ पर बाजू में लिखा है, आप सामने के पेज में क्वेश्चन और क्वेश्चंस के नीचे आंसर्स का हेडिंग देखकर लिखोगे. ओके, मार्क्स ऑब्टेन बाय वरुण इन सिक्स सब्जेक्ट. सेकंड क्वेश्चन, इन व्हिच सब्जेक्ट्स डीड वरुण स्कोर मैक्सिमम मार्क्स. तो ये बार चार्ट में आप देख सकते हो वरुण ने कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स कवर किए हैं. तो आप देख सकते हो मैथमेटिक्स. तो यहाँ पर आंसर्स में लिखोगे मैथमेटिक्स. फिर थर्ड, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में. तो ये बार चार्ट देखकर बोल सकते हो आप कि सोशल साइंस. सोशल साइंस सब्जेक्ट में उसने सबसे कम 40 मार्क्स कवर किए हुए. नेक्स्ट, स्टेट द सब्जेक्ट इन मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम. सारे सब्जेक्ट हमें लिखने और उसमें उसने कितने मार्क्स कवर किए वो लिखना है. तो इंग्लिश, इंग्लिश में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 70 और 80 के बीच में यानी 75. तो इंग्लिश में लिखेंगे 75. हिंदी, हिंदी में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 60 मार्क्स, तो हिंदी में लिखेंगे 60. फिर आएगा मैथ्स, मैथ्स में सबसे ज्यादा उसने कवर किए 80 और 90 के बीच में यानी 85. तो आंसर्स में लिखेंगे 85. फिर आएगा सोशल साइंस, सोशल साइंस में आप लोग देख सकते हो 40 मार्क्स उसने कवर किए. साइंस, तो साइंस में 50 मार्क्स कवर किए तो साइंस में लिखेंगे 50. फिर आएगा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हो 70 मार्क्स कवर किए तो आंसर्स में लिखेंगे कंप्यूटर साइंस में 70. ओके, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन और उसके आंसर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करने. नाउ सेकंड, रीड द गिवन बार चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सेम जैसे हम लोगों ने फर्स्ट सम किया वैसे ही सेकंड आप लोगों को न्यू पेज से ग्राफ बुक के अंदर ये ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करना है और उसके सामने के पेज में आप लोगों को उसके आंसर्स लिखने. यहाँ पर भी पहले ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है तो देख सकते हो नंबर ऑफ शूज सोल्ड ऑन 5 डेज. यहाँ पर 5 डेज में कितने शूज सोल्ड हुए उसकी इन्फॉर्मेशन देता हुआ ये चार्ट है. यहाँ पर स्केल दिया गया 1 यूनिट इक्वल 6 शूज. ये जो एक एक यूनिट है उसमें उसका 6 शूज का हम लोगों ने मेजरमेंट लिया है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार चार्ट गिव. बार चार्ट किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है नंबर ऑफ शूज सोल्ड ड्यूरिंग कितने डेज है, 5 डेज. तो लिखेंगे नंबर ऑफ शूज सोल्ड ड्यूरिंग 5 डेज. सेकेंड, वॉट इज द स्केल चूजन ऑन द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शूज सोल्ड वर्टिकल लाइन में. तो वर्टिकल लाइन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या हमें यूनिट लिखा है. स्केल का मेजरमेंट 1 यूनिट इक्वल 6 शूज. आंसर्स में लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल 6 शूज. अगेन मैं बोल रही हूँ, मैंने तो यहाँ पर बाजू में आंसर्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, बट आप लोग ग्राफ बुक के सामने के लाइनिंग वाला पेज है उसमें क्वेश्चन और क्वेश्चंस के नीचे आंसर्स आप लोग लिखोगे. ओके, नेक्स्ट, ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ शूज सोल्ड, सबसे कम शूज कौन से डे पर सेल हुए. तो देख सकते हो ये सबसे छोटा,
तो वेनसडे पर सबसे कम शूज सोल्ड हुए. नेक्स्ट, हाउ मेनी शूज में सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितने शूज सेल हुए हैं. तो फ्राइडे, फ्राइडे में आप लोग देख सकते हो 18 और 24 के बीच का है, तो एक यूनिट का डिस्टेंस है 6 शूज, तो 18 में 3 ऐड करो तो आएंगे 21. तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 21 शूज फ्राइडे को सेल किए हुए. नेक्स्ट, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज सोल्ड, सबसे ज्यादा शूज कौन से डे पर सेल हुए हैं. और सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी शूज वे सोल्ड ऑन दैट डे, और कितने उस दिन पर हुए. तो आप लोग ये ग्राफ देखकर बता सकते हो कि थर्सडे को सबसे ज्यादा शूज सेल हुए हैं और कितने, 36. सो आंसर्स में लिखेंगे, क्या लिखोगे आंसर में, थर्सडे एंड 36 शूज. नाउ सम 3, मेक अ टेबल करस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग बार ग्राफ. आप लोगों को ये बार ग्राफ थर्ड पेज में ड्रॉ करना है और उसके सामने यहां पर हमें आंसर्स देना है टेबल बनाकर. ओके, तो एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हो क्लासेस रोमन में 1 से लेकर 8 तक के हैं. वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन है. ओके, तो टेबल में किस वे से टेबल बनाना रहेगा, इस वे से, सामने के जो लाइनिंग वाला पेज है ना उसमें आप लोग ये टेबल बनाओगे. तो आंसर 3 टेबल, क्लासेस यानी क्लास 1 से लेकर 8 तक के लिखोगे. ओके, फिर उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों को लिखना है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप देख सकते हो कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स, तो आंसर्स में लिखोगे 20. सेकंड स्टैंडर्ड में 30 और 40 के बीच में यानी 35, तो सेकंड में लिखोगे 35. थर्ड स्टैंडर्ड, तो थर्ड स्टैंडर्ड में आप देख सकते हो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो थर्ड में लिखोगे 50. फोर्थ स्टैंडर्ड, तो फोर्थ स्टैंडर्ड में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो फोर्थ में लिखेंगे 60. फिफ्थ स्टैंडर्ड में 40, तो आंसर में लिखेंगे नीचे टेबल में 40. सिक्स स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 और 60 के बीच में यानी 55, तो सिक्स स्टैंडर्ड में 55 स्टूडेंट. सेवन स्टैंडर्ड में 30 स्टूडेंट्स, तो आंसर्स में लिखेंगे 30 स्टूडेंट्स. एट स्टैंडर्ड में 10 और 20 के बीच में यानी 15 स्टूडेंट्स, तो 8 स्टैंडर्ड में लिखेंगे हम लोग 15 स्टूडेंट. सो इस तरीके का टेबल आप लोगों को रिप्रेजेंट करना रहेगा. थैंक यू.